आइसोफिक्स का एक यहाँ पर ये आ जाता है डैश कैम। मेरा केवल टिल्ट आपको स्टेयरिंग ओआरवीएम अनफोल्ड भी अब अगर अंदर में फंस जाते हैं तो इसका बैजिंग भी काफी सुंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं द अमर टेक्निकल और सामने देख रहे हैं ये है क्रेटा एडवेंचर जो कि आपको हाल ही में ये मॉडल इसका आया है तो सामने अभी लगी हुई है। ये है ब्लैक, फुल ब्लैक आपको देखने को मिल जाता है। एडवेंचर का आपको बैजिंग हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर एडवेंचर का आपको बैजिंग देखने को यहाँ पर मिल जाता है तो फुल ब्लैक आपको कहीं से भी इसमें क्रोम देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको जहाँ से भी देखेंगे चारों साइड से हम आपको एक बार दिखा देते हैं, इसमें आपको फुल्ली ब्लैक, जिसको ब्लैक गाड़ी पसंद है उसके लिए तो खैर काफ़ी बेहतर ये एडवेंचर मॉडल है। अगर हम इसके एक शोरूम की बात कर लेंगे तो लगभग आपको 15,17,100 रुपये के आसपास इसका आपको एक शोरूम आ जाता है। तो इसके सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से, फ्रंट काफ़ी मस्कुलर सा आपको लग रहा है। अगर यहाँ देखेंगे तो आपको क्रोम नहीं मिलता है, हुंडई का जो लोगो मिल जाएगा ये भी आपको ब्लैक में ही मिलता है, फुल्ली ब्लैक। यहाँ ग्रिल भी देखेंगे तो आपको ब्लैक पियानो फिनिश में इसका ग्रिल आ जाता है, पूरा गाड़ी है ब्लैक पियानो फिनिश में। ऊपर से देखेंगे तो आपको वहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो डैश कैम आपको मिल जाता है इस मॉडल में, एक नया फीचर इसमें आपको जुड़ गया है। नीचे देखेंगे स्किड प्लेट की बात कर लेंगे तो ये भी आपको फुल्ली ब्लैक आपको मिल जाता है, ब्लैक पियानो फिनिश। वहीं अगर हम इसमें DRL की बात कर लेंगे तो आपको यहाँ पर प्लेसमेंट किया गया है, DRL भी टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाता है। आपको ट्राई में मिल जाता है तीन, मतलब हेडलैम्प, तीन आपको हेडलैम्प मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और नीचे देखेंगे तो आपको हेलोजन, यहाँ देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया फ्रंट से ये आ जाता है। अब बात कर लेते हैं हम साइड प्रोफाइल की, ऑन रोड प्राइस की बात कर लेंगे तो जो राधा हड़ी हुंडई में निकल के आ जाता है लगभग 18,02,000 रुपये आपको निकल के आ जाता है इसका ऑन रोड प्राइस। ये है आपको क्रेटा एडवेंचर 2023 BS6 Phase 2। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो काफ़ी बेहतर सा निकल के आ जाता है इसका साइड प्रोफाइल। अगर यहाँ देख रहे हैं तो आपको एडवेंचर का आपको सबसे तो पहले बैजिंग, इसका बैजिंग भी काफ़ी सुंदर सा दिखने में आ जाता है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसके टायर प्रोफाइल की तो 215/60R17 का इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। ब्रेक कैलिपर की बात करेंगे तो रेड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है आपको, पूरा ब्लैक पियानो फिनिश के साथ इसका आ जाता है अलॉय व्हील। वहीं अगर हम यहाँ देखते हैं तो एडवेंचर यानी मतलब मस्ती करने के लिए गाड़ी बना है तो उसके लिए यहाँ देखेंगे साइड बेडिंग तो आपको काफी मोटा सा यहाँ पर साइड बेडिंग भी देखने को मिल जा रहा है पूरा एंड तक। यहाँ फ्यूल कैपेसिटी की तो लगभग 50 लीटर के आसपास का इसका फ्यूल कैपेसिटी आ जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेंगे यहाँ रियर में तो आपको मिल जाता है शार्क शेप में एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको इसका यहाँ प्लेस अप कर दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है वाइपर, डिफॉगर, यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है वॉशर। यहीं देख लेते हैं तो आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्लैक क्रोम में आपको देखने को मिल जाता है, क्रेटा का बैजिंग भी आपको ब्लैक क्रोम में मिल जाता है। चार आपको मिल जाता है इसमें रियर पार्किंग सेंसर जो कि कुछ इस प्रकार का यहाँ पर प्लेसमेंट किया गया है। पार्किंग लैंप यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपको हेलोजन में मिल जाता है, यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है एक रिफ्लेक्टर, ये आ जाता है बम्पर पीछे का। पीछे से तो खैर क्रेटा काफी मस्कुलर पहले से भी था और आज भी एकदम बेहतर सा आ जाता है। बूट स्पेस की बात कर लेंगे तो बढ़िया सा आपको बूट स्पेस निकल के आ जाता है जो कि आपको 433 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस निकल के आ जाता है। बड़ा सा आपको कार्गो एरिया मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको एक लाइट भी प्लेस किया गया है, रात में सामान वगैरह रखना हो तो कहीं कोई इसमें आपको परेशानी नहीं हो। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है एक टोइंग हुक। और वहीं अगर हम बात कर ले इसमें तो स्पेयर टायर व्हील की तो आप देख सकते हैं ये आपको स्टील रिम में आता है, इसका भी प्रोफाइल बता देते हैं आपको तो ये आपको 16 इंच में मिलता है, 1 इंच आपको इसमें कम मिल जाता है स्पेयर टायर व्हील में। और अंदर में भी आपको अच्छा खासा एरिया यहाँ पर मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ अगर देखते हैं तो स्टोरेज एरिया का कोई कमी नहीं है, छोटा मोटा सामान रखना तो इस साइड में भी रख सकते हैं और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एरिया मिल जाता है। और पार्सल ट्रे की बात कर लेंगे तो बड़ा सा आपको यहाँ पर पार्सल ट्रे भी दिया गया है, आपको यहाँ से इसको हुक डाउन करके दिखा देते हैं, हुक को निकाल के तो देख सकते हैं बड़ा सा आपको पार्सल ट्रे भी इसमें आ जाता है। तो ये आपको कैसा लगा? वहीं अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंसुलेशन के लिए पूरा का पूरा ये मैटिंग इसके अंदर किया गया है, एक आपको यहाँ पर मिल जाता है जगह, अगर अंदर में फंस जाते हैं तो इससे आप इसका जो डिक्की है ओपन अंदर से भी कर सकते हैं। यहाँ ग्रैब हैंडल मिल जाता है तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ से बंद। अगर हम बात कर लेंगे ऊपर में तो रूफ रेस देख रहे हैं इसका पूरा फुल ब्लैक में ही देखने को मिल जाता है। अगर हम ORVM की बात कर लेते हैं आपको ORVM पे मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, आपको ये ब्लैक पियानो फिनिश में मिल जाता है, नीचे रफ ब्लैक देखने को मिलता है। की बात करेंगे तो यहाँ मिल जाता है लॉक और यहाँ मिल जाता है अनलॉक, ये होल्ड आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ बूट एक्सेस के लिए आपको एक बटन मिल जाता है। अगर डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ ब्लैक में मिल जाता है, ये रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही अगर आप लॉक कर देते हैं तो ये ORVM जो है फोल्ड हो जाता है, जैसे इसको अनलॉक करेंगे तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ORVM अनफोल्ड भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, आराम से हो जाता है। फुल्ली आपको इसका जो मिल जाता है अंदर का ये
इंटीरियर काफी बेहतर आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर डोर पैनल्स की भी बात करें तो ये फुल आपको ब्लैक में ही मिल जाता है। अगर रेयर में बात करेंगे डोर पैनल की तो ये भी आपको फुल ब्लैक में, अंदर से पूरा फुल आपको ब्लैक गाड़ी को रखा गया है। तो ऑल फोर पावर विंडो का यहाँ कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ देखेंगे तो आपको ORVM का कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ देख लेते हैं तो ये मिल जाता है बड़ा साइज का डोर ओपनर। ये डोर ओपनर जो है बड़ा लीवर में यहाँ मिल जाता है, लॉक अनलॉक के लिए यहाँ मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, स्पीकर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर किया गया है। आपको बड़ा साइज में बॉटल होल्डर भी रख सकते हैं, यहाँ पर एक स्पेस देखने को मिल जाता है। स्कर्फ प्लेट की बात करेंगे इसमें कोई ब्रांडिंग आपको नहीं मिलता है। आपको अगर हम स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं तो आपको बड़ा साइज का स्टेयरिंग मिल जाता है डी कट डिजाइन के साथ में। अब वहीं अगर बात कर लेंगे तो आपको आ जाता है यहाँ पर देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ देखेंगे तो आपको मोड मिल जाता है म्यूजिक का, बड़ा सा इसमें मिल जाता है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, लगभग आपको 10.5 इंच का इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इस एसी वेंट के ऊपर जो ये डिजाइन किया गया काफी बेहतर। वहीं स्टीच की हम बात कर लेंगे तो ये भी आपको मिल जाता है, वही हल्का सा जो ग्रीन बोल सकते हैं या पीला जो जस्टिफाई कैमरा कर रहा हो वही, तो वैसे तो हल्का सा ग्रीन और पीला का मिक्सचर टाइप का ये कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ इस साइड में, तो आपको एयरबैग का प्लेसमेंट किया गया है, ये सब आपको सब हार्ड प्लास्टिक इसका मिल जाता है। स्टेयरिंग इसका पूरा लेदर टाइप किया गया है। अगर स्टेयरिंग की बात करेंगे तो इसमें केवल टिल्ट आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ देखेंगे तो आपको आ जाता है ये स्टेयरिंग का, ये आपको वाइपर का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है हेडलैम्प सेटअप आपको ऑटो में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और क्लस्टर की बात करेंगे तो RPM मीटर हो या स्पीडोमीटर हो आपको एकदम बढ़िया सा यहाँ पर निकल करके इसका आ जाता है। ये आपको पूरा लगा ऐसे कि जैसे फ्लैट है, यहाँ पर शीशा वगैरह कोई नहीं है, इस टाइप का इसका डिजाइन किया गया है। ये एनालॉग में आ जाता है, यहाँ हीटिंग के लिए भी एनालॉग में दिया गया है और फ्यूल के लिए भी आप देखेंगे तो एनालॉग में देखने को वहां पर आपको मिल रहा होगा। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का एक यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा होगा चूंकि इसमें ऑप्शन आ जाता है, यहाँ देखेंगे तो आपको स्टार्ट स्टॉप के लिए मिल जाता है, यहाँ देखते हैं तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, लाइट लेवलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर एयरबैग की बात करें तो टोटल इसमें आपको दो चार एयरबैग देखने को मिल जाता है और यहाँ 6 टोटल आपको 6 एयरबैग इसमें आ जाता है, 2 तो फ्रंट में, 2 उसके बाद आ जाता है बी पिलर में, 2 आ जाता है इसके सीट में। और फ्रंट सीट की बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को यहाँ इस पर मिल जाता है, और सीट का डिजाइन भी काफी बढ़िया आपको पहले से कर दिया गया। ये आपको 2-in-1 का कलर है, ब्लैक और ग्रीन, वो ग्रीन आपको इसका फैब्रिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये सब आपको ब्लैक में आ जाता है। अगर बीच में देखेंगे तो एडवेंचर का आपको पैटर्न यहाँ देखने को इस पर मिल जाएगा, आपको सॉफ्ट टच यहाँ पर मिल जाता है। आर्मरेस्ट वहीं देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपको छोटा सा स्टोरेज एरिया, यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाता है, बॉटल भी आप यहाँ पर रखे या कप रखे जैसा, या हैंड ब्रेक यहाँ मिल जाता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ देखेंगे तो आपको मोबाइल चार्जिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, वायरलेस चार्जर यहाँ कर सकते हैं, 120 वाट का आपको 180 वाट का 12 वोल्ट 180 वाट का यहाँ पर आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, आपको ए टाइप चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यूएसबी टाइप मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आ जाता है। यहाँ देखेंगे तो व्यू का ऑप्शन एक मिल जाता है आपको, व्यू इस बटन से आप गाड़ी अगर आपका चल रहा हो तो इससे आप व्यू कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें आपको बदलाव किया गया है छोटा छोटा। यहाँ देखेंगे तो कूल्ड आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, सबसे बड़ा चीज यहाँ आ जाता है आपको डैश कैम, अगर यहाँ देखेंगे तो ये आ जाता है डैश कैम, मेरा अभी फिगर इसमें दिख रहा होगा मोबाइल का, तो ये बढ़िया चीज अंदर और बाहर दोनों का ये रिकॉर्ड करता है। इसमें आप बहुत सारा सेटिंग है, आप सेटिंग भी इसमें कर सकते हैं जैसा चाहे वैसे, आप FHD फुल HD आप 30 FPS पे कर सकते हैं या HD 30 FPS पे कर सकते हैं, जैसा चाहे आप रिकॉर्ड यहां से कर सकते हैं। इसके डैश कैम में यहां देखते हैं तो आ जाता है आपको IRVM, ये आपको अभी तक मैनुअल ही इस मॉडल में ही मिलेगा। SOS का फीचर मिल जाता है, टोइंग का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लू लिंक का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। यहां देखेंगे तो आपको मिल जाता है एक सनग्लास होल्डर, वैनिटी मिरर, टिकट होल्डर, सारा चीज आपको मिलता है। वहीं अगर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है LED लैंप, 2 आपको मिल जाता है LED लैंप। वहीं आ जाते हैं इसके ऊपर में तो देख सकते हैं बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाता है। ठंडा में तो खैर काफी बढ़िया इसमें आपको आनंद ले सकते हैं, बट गर्मी में धूप जब लगता है ना काफी आपको इसमें एकदम गर्मी रहता है। तो करते हैं इसको हम सिंगल टच में ये ओपन हो जाता है, इसको कर देते हैं बंद, अभी काफी आपको इसमें गर्मी है आज भी। तो कुछ इस प्रकार का आगे का इसका लुक आ जाता है। अब चलते हैं हम इसके रेयर में और बात करते हैं कि इसका रेयर वाला जो है प्रोफाइल कैसा निकल के आ जाता है। तो अब आ जाते हैं हम इसके पीछे, बैठते हैं पीछे और बात करते हैं कि और कैसा हमको देखने को इसमें मिल जाता है। यहाँ अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डोर पैनल की, तो फुल ब्लैक आपको डोर पैनल यहाँ देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें कर्टन का भी ऑप्शन दिया गया है।
तो ये बढ़िया चीज है, कभी कभी फाइनो हो जाता है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ मिल जाता है, आपको विंडो का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको डोर ओपनर मिल जाता है, आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। ये सब आपको पूरा जो है हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। स्पीकर का प्लेसमेंट यहाँ किया गया है, बॉटल होल्डर एक आपको यहाँ पर मिल जाता है। बैठते हैं अंदर में और फील लेते हैं क्रेटा एडवेंचर का। तो काफी आप यहाँ ऊंचा बैठते हैं और पीछे का जो कुशन दिया गया है ये भी काफी आपको बढ़िया यहाँ पर मिलता है। दो आपको कुशन मिल जाता है, एक्स्ट्रा कुशन के साथ ही आता है यहाँ पर, देख सकते हैं दोनों में। वहीं देखेंगे तो आपको मिल जाता है एक यहाँ पर हैंड रेस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दो मिल जाता है आपको कप होल्डर हैंड रेस्ट के ऊपर में ही। दो आपको तो हेड रेस्ट एडजस्टेबल आता ही है यहाँ पर। दो आपको अगर देखेंगे पीछे वाला सीट भी, तो इस पर एडवेंचर का आप डिजाइन यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देखने में आ जाता है। यहाँ पर आपको आइसोफिक्स का एक यहाँ पर सिंबल भी देख सकते हैं दोनों साइड में। छोटा बच्चा अगर आप बैठाते हैं तो आइसोफिक्स के लिए आप एक अलग से सीट आता है, आप यहाँ पर सीट रख के छोटे बच्चे को बैठा सकते हैं। दो देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाता है आपको एसी वेंट, दोनों पे वही हल्का सा ग्रीन का जो टच देखने को यहाँ पर मिल जाता है। जगह मिल जाता है आपको मोबाइल रखने के लिए, एक चार्जिंग का यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाता है। इसका जो सीट दिया गया फैब्रिक और आपको लेदर दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है, ग्रीन और ब्लैक, काफी बढ़िया आ जाता है। अगर देखेंगे यहाँ से फ्रंट का व्यू तो बेहतर निकल करके आ जाता है। और क्रेटा तो खैर काफी प्रीमियम कार है ही आपको, तो बहुत सारा इसमें फीचर अब आपको जोड़ दिया गया है इस एडवेंचर में। फुल ब्लैक इंटीरियर ब्लैक, केवल इसका रूफ आपको यहाँ पर व्हाइट देखने को मिल जाता है। बात कर लेंगे इसके पावर की, तो पावर तो खैर बेहतर इसमें निकल करके आ जाता है। और बात कर लेंगे इसके हम ऑन रोड प्राइस की, कि ऑन रोड प्राइस क्या निकल के आ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एयरबैग का आपको सिंबल एक मिल रहा होगा, तो इसमें टोटल 6 एयरबैग मिल जाता है। सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से सीट बेल्ट को। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है एक रीडिंग लैंप, इस साइड में भी देखेंगे तो आपको ग्रैब हैंडल के नीचे ही मिल जाता है एक रीडिंग लैंप। दो रीडिंग लैंप आपको देखने को इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके इंजन की, पावर की, हमको इसके पावर इसमें क्या मिल जाता है, चूंकि ये है आपको 1.5 इसका इंजन। तो आगे इंजन की हम बात कर लेते हैं। अब अगर इसके हम पावर की बात कर लेंगे तो इसमें जो पावर निकल के आ जाता है, बढ़िया सा पावर आप देख सकते हैं, तो 113 bhp का पावर निकल के आ जाता है। वहीं अगर हम इसके टॉर्क की बात कर लेंगे तो 250 का इसमें आपको टॉर्क निकल के आ जाता है। तो कुछ इसका इंजन देख सकते हैं, इस प्रकार का प्लेसमेंट है, बड़ा सा एकदम, आपको कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं होगा, क्योंकि नीचे से भी पूरा प्रोटेक्ट किया गया है इंजन को। 4 सिलेंडर इंजन आ जाता है, 1 2 3 4 सिलेंडर का आपको इंजन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको हुंडई और किया का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा ये माउंट के ऊपर में ही यहाँ पे। तो आपको लगभग हुंडई और किया के ऊपर जो है सो सामान के ऊपर देख सकते हैं कि ब्रांडिंग किया रहता है। वही अगर देखेंगे यहाँ पर तो आपको इंसुलेशन के लिए पूरा का पूरा मैटिंग भी इसमें किया गया है। तो ये ब्लैक भौकाल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले से तो खैर काफी बेहतर कर दिया गया है, चूंकि इसमें सबसे बढ़िया चीज आ जाता है कि अब आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करवाना होगा इसके ऊपर में। और आपको इतना सुंदर लग रहा है ना, पूरा ब्लैक ऊपर में आप देख सकते हैं, रूफ रेल्स आ जाता है आपको, बड़ा सा इसका मिल जाता है यहाँ ORBM, डोर हैंडल, सबसे बढ़िया चीज़ एडवेंचर का आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाता है, ये मिल जाता है आपको इसका साइड बीडिंग, ये भी काफ़ी मोटा चौड़ा सा आपको मिल जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको लगा कैसा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।